30 से ज्यादा सीटों पर कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है, कांटे की टक्कर देखी जा रही है। 30 से ज्यादा सीटों पर वोट का अंतर 1000 से भी कम है, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। अनिल विज 671 वोटों से पीछे, ऐसे कई नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ वोटों से आगे चल रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 30 सीटों पर कांटे की टक्कर है, इन 30 सीटों पर कभी भी रुझान बदल सकते हैं, इन 30 सीटों पर कभी भी गेम चेंज हो सकती है। अनिल विज की बात करें तो 671 वोट से पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा आरोप सामने आया है, मतगणना पर सवाल उठाए हैं जयराम रमेश ने, और ईसीआई अपडेट नहीं कर रहा वेबसाइट, क्या अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है, ये भी जयराम रमेश का कहना है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है, लेकिन ईसी की वेबसाइट पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ईसी अपनी वेबसाइट को अपडेट ही नहीं कर रहा है, वेबसाइट पर आंकड़े आने में देरी हो रही है, ये जयराम रमेश ने सवाल उठाया है। ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं, अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे, शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए।